हेलो फ्रेंड, मैं हूं गोपाल और आप देख रहे हो ट्रेडिंग पब्लिक स्कूल चैनल। फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बेस्ट सपोर्ट इंडिकेटर के बारे में, जो आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट दे सकता है। कोई भी इंडिकेटर के साथ बहुत अच्छी तरीके से ये इंडिकेटर काम करता है, बहुत ही बेनिफिट आपको प्रोवाइड करता है अदर्स इंडिकेटर के साथ आप इसको यूज करेंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा है, गुड न्यूज है हमारे लिए। तो हम लोग ये इंडिकेटर के बारे में समझेंगे। पहले इंडिकेटर है क्या चीज, कौन सा इंडिकेटर है, इसके बारे में पूरा डिटेल्स हम लोग पहले ले लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो हम लोग स्क्रीन पे आ चुका हूँ। देखिए, मैंने एक लमसम बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगा के रखा हूँ। इसमें होता क्या है, आप पहले देखिए बैंक निफ्टी में जैसे जैसे काम कर रहा है वैसे वैसे ये क्या कर रहा है, आपको एक अच्छा खासा सिनेरियो बना के दे रहा है। इस जगह पे आपको बाई सिग्नल दिया, इस जगह पे सेल सिग्नल दिया। ये लास्ट डे का ट्रेड है, लास्ट डे बहुत सारे बंदे को स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा। कहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हुआ ये बात समझ लीजिए। पहले लास्ट डे क्या हुआ था, मार्केट एक अच्छा खासा गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, अच्छा खासा गैप डाउन ओपन होने के बाद क्या हुआ, इस जगह से मार्केट रिवर्स कर गया। तो ये इंडिकेटर आपको पहले से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दिया है कि मार्केट अभी अपसाइड जाने वाला है। ये ग्रीन कंफर्मेशन आपको पहले से प्रोवाइड कर दिया था। दूसरा, कोई भी इंडिकेटर आप लमसम कोई भी इंडिकेटर आप देख सकते हो लगा के, ये पहले आपको इन्फॉर्मेशन नहीं किया होगा जे ये मार्केट अपसाइड में जा सकता है। लेकिन ये इंडिकेटर का ये एक तो बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट, पॉजिटिव पॉइंट मेरे को लगा, जो आप लोगों को ये इंडिकेटर देना चाहिए। तो इसकी वजह से मैं दे रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट है जो ये एडवांस में आपको हर चीज पता करके बताते हैं जब मार्केट कहाँ जा सकता है, कौन सा डायरेक्शन में इसका डायरेक्शन क्या हो सकता है, मूवमेंट क्या हो सकता है, ये चीज। ठीक है, देखिए इस जगह पे मार्केट क्या किया, मार्केट जैसे हमारा गैप डाउन ओपन हुआ लास्ट डे का, मार्केट के बारे में मैं समझ रहा हूँ, हम लोग समझ रहा हूँ ये गैप डाउन ओपन हुआ तो बहुत सारे बंदे ने सोच लिया था, क्योंकि यहाँ पर एक ब्रेकआउट लेवल भी था, बहुत सारे बंदे ने सोच लिया था मार्केट अभी गिरने वाला है। बट ये इंडिकेटर तुरंत आपको कंफर्मेशन क्या दिया, नेक्स्ट कैंडल पे आपको क्या कंफर्मेशन दिया था कि मार्केट अभी गिरने वाला नहीं है, मार्केट अभी चढ़ने वाला है। बराबर, ये कहानी बताया जब मार्केट अभी चढ़ने वाला है, तो ये एडवांस में आपको इतना सारा चीज बता रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए, एडवांस में आपको बताया कि मार्केट अभी गिरने वाला है, यहाँ से मार्केट गिरने वाला है, तो मार्केट क्या किया, इस जगह पे होल्ड किया। और इसका सबसे बेस्ट बेनिफिट कहाँ उठा सकते हो पता है, रेंज बाउंड मार्केट में। ये इंडिकेटर का रेंज बाउंड मार्केट का फायदा उठा सकते हो। रेंज बाउंड मार्केट में क्या होता है, ये इंडिकेटर आपको स्ट्रेट डायरेक्शन हो जाता है। आप देख सकते हो इसका जो दो लाइन आपको दिखाई देगा, ये आपको स्ट्रेट डायरेक्शन में आपको दिखाई देगा। तो आप इजी तरीके से समझ सकते हो जब मार्केट अभी कौन सा डायरेक्शन में है, ये आपको समझ में आ जाएगा। तो आप उसी तरीके से आप ट्रेड ले सकते हो, जैसे ये डाउन साइड का ब्रेकआउट हुआ इतना अच्छे तरीके से एक आपको फॉल्ट दिखाई दिया ये इंडिकेटर में। तो ये है एक बेस्ट बेनिफिट जो आप इसी इंडिकेटर के थ्रू रेंज बाउंड मार्केट को अच्छी तरीके से पता कर सकते हो। जैसे इस जगह पर भी देखिए, मार्केट एक रेंज बाउंड था, उसी के हिसाब में ये इंडिकेटर क्या हुआ था, ये एक एक जगह पे स्ट्रेट हो गया था, स्ट्रेट लाइन हो गया था आपके आंखों के सामने, यही चीज है जो ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया था। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा था मार्केट एक रेंज बाउंड है, यहाँ से जब मार्केट गिरा तो अच्छा खासा एक छोटा सा फॉल आपको दिखाई दिया। तो ये चीज का बेनिफिट उठा सकते हो ये इंडिकेटर के थ्रू। और मैं दूसरा भी चार्ट एक दिखा देता हूँ, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का चार्ट छोड़ के मैं एक कारण जो आज संडे है, तो आज मार्केट में अभी लाइव बोले तो इसका ही चलते हैं। हमारा क्रिप्टो का मार्केट अभी कंटिन्यू रहता है। तो इसमें देखिए, इसमें कितना अच्छी तरीके से आपको क्या किया, इस जगह पे कितना अच्छी तरीके से आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट इसने प्रोवाइड किया। इस जगह पे क्या हुआ था, मार्केट एक छोटा सा रेंज बाउंड में फंस गया था, या पर मार्केट ने एक अपसाइड के लिए ब्रेकआउट दिया, इस जगह पे रेंज बाउंड में फंस गया था। तो आपको यहाँ पर एंट्री लेने के लिए मना कर रहा था क्यों, ये आपको यहाँ पर स्ट्रेट हो गया था। तो इस जगह पे सबको बताया भाई, इस जगह पे एंट्री नहीं करना चाहिए, मार्केट इस जगह पे थोड़ा बहुत रेंज बाउंड हो रहा है, तो इस जगह पे एंट्री करूंगा तो हमारे लिए रिस्क है। तो उसके बाद से मार्केट एक स्टैंडिंग आ गया है, इस जगह पे कोई पर भी आप एंट्री लेते तो आप ट्रेंड के साथ कंटिन्यू रहते, तो आप इतना तक आराम से कंटिन्यू प्रॉफिट अर्न कर सकते थे ये मार्केट के हिसाब।
ठीक है। उसके अलावा आपको और डाउट है तो मैं दूसरा भी चार्ट दिखा देता हूँ, अच्छा रहेगा दूसरा भी चार्ट, क्योंकि लाइव चार्ट जो चाह रहा है उसको ही दिखाना बेटर रहता है। फिर भी मैं इसको देखिए, इस जगह पे क्या हुआ, मार्केट देखिए एक अप टर्न आने के बाद आपको यहाँ पर एक कॉन्फर्मेशन क्या दे रहे हैं, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है। जब मार्केट ने एक फ्लैग पैटर्न बना दिया है, फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ, अपसाइड में मार्केट ने फिर से रैली चालू किया। ओके, तो ये चीज का सिनेरियो आपको बता रहा है। और इस जगह पे देखिए, उसके बाद देखिए उसके बाद क्या हुआ, वो भी सिनेरियो देख सकते हो। जब इस जगह पे क्या हुआ, मार्केट अभी रेंज बाउंड में है, क्या है, मार्केट अभी रेंज बाउंड है। अब देख सकते हो यहाँ पर मार्केट फ्लैट हो चुका है, तो मार्केट क्या कर रहा है, एक बार अपसाइड एक बार डाउन साइड, फिर यहाँ से अपसाइड जाएगा, फिर डाउन साइड जाएगा, फिर अपसाइड, फिर ऐसे करके गिर भी सकता है या अपसाइड के लिए रैली भी दिखा सकता है। मतलब ये आपको एक इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड कर रहा है, जब मार्केट का अभी रेंज बाउंड है, इस पोजीशन में ट्रेड मत लीजिए, तो आपका लॉसेस का चांसेस बहुत ही कम हो जाएगा, एक अच्छा खासा मुनाफा आप अर्न कर सकते हो इसी इंडिकेटर के थ्रू। अब प्राइस एक्शन बेस है, प्राइस एक्शन को बहुत अच्छी तरीके से ये इंडिकेटर सपोर्ट करता है, तो इसी इंडिकेटर को बहुत अच्छी तरीके से आप यूज कर पाएंगे। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा कोई भी एक चार्ट के ऊपर, एथर के ऊपर। ये एथर का चार्ट है, एथर का चार्ट में भी देखिए सेम टू सेम सिनेरियो बनाया है। इस जगह पे मार्केट ने एक डाउन साइड दिखाया, उसके बाद अप साइड, ये आपको कितना अच्छी तरीके से बता रहे थे मार्केट का सिचुएशन क्या है, आप देख सकते हैं इस जगह पे कितना अच्छी तरीके से मार्केट का सिचुएशन के बारे में बता रहा है। ठीक है, इस जगह पे देखेंगे ये शोल्डर हो गया, ये हेड हो चुका और एक शोल्डर बांध रहा है, उसके बाद मार्केट गिरने का चांसेस आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसी के हिसाब में भी वही पैटर्न आपको दिखाई देगा, ये इंडिकेटर भी आपको इनएक्टिवली आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न ही आपको नजर आ रहा है, बनाते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मार्केट के गिरावट आपको आ सकता है इस जगह पे ये सिनेरियो में, तो आपको एक अच्छी तरीके से ये आपको बता रहे हैं भाई, ये हेड बन चुका है, ये शोल्डर बन चुका है, ये भी एक शोल्डर बन रहा है। तो आप कितना अच्छी तरीके से समझ सकते हो ये इंडिकेटर को, आप सोच सकते हो। जब ट्रेंडिंग मार्केट रहता है वैसा कोई सिनेरियो नहीं रहता है, ट्रेंडिंग मार्केट में स्ट्रेटली ये जैसे जैसे मार्केट मूव करते हैं उसी के हिसाब में मार्केट मूवमेंट करते हैं, ये इंडिकेटर भी मूवमेंट करते हैं, और आपको बहुत अच्छी तरीके से पोजिशनल ट्रेड या स्विंग ट्रेडिंग या इंटरडे ट्रेडिंग में बहुत ही बेनिफिट आ सकता है ये इंडिकेटर के। बट मैं एक चीज का ध्यान रखना है आप लोगों को, ये इंडिकेटर को डायरेक्ट यूज मत कीजिए, इसके साथ कोई भी दूसरा इंडिकेटर आपके पास है, चाहे वो प्रीमियम इंडिकेटर है, चाहे वो फ्री इंडिकेटर है, बस बेस्ट इंडिकेटर है आपके पास, तो उसी के साथ यूज करेंगे तो इसका रिजल्ट आपका 90% से भी ज्यादा आपको 90% प्लस रिजल्ट आपको मिल सकता है, 90% प्लस रिजल्ट आपको मिल सकता है ये इंडिकेटर का। तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, और इसका जो कोडिंग होगा कोडिंग मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो टेलीग्राम चैनल पे 100% जुड़ जाइए, और टेलीग्राम चैनल पे आज ही का दिन में आपको मिल जाएगा। और आपको टेलीग्राम चैनल पे नहीं मिल रहा है तो कैसे सर्चिंग करना है उसके बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, दोबारा बोल देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पे क्या करना है, ये वीडियो का जो लिंक होगा लिंक को कॉपी कीजिए और टेलीग्राम चैनल पे जाइए, टेलीग्राम चैनल पे आप राइट साइड में आपको तीन डॉटेड दिखाई देगा, यहाँ पर जैसे आपको तीन डॉटेड दिखाई दे रहे हैं, अभी तीन डॉटेड इस जगह पे जैसे दिखाई दे रहे हैं, तीन डॉटेड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्च बोल के एक ऑप्शन आएगा, सर्च में वो हमारा यूट्यूब का जो लिंक होगा लिंक को पेस्ट कर दीजिए, और वहाँ पर आपको ये इंडिकेटर का डाउनलोडिंग लिंक प्लस इंडिकेटर का वीडियो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से डाउनलोडिंग कीजिए। और आपको कहाँ पर कैसे यूज करना है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखिए पाइन एडिटर बोल के एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, पाइन एडिटर पर क्लिक करेंगे, वहां पर कॉपी करके कोड को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, पेस्ट करके सिर्फ यहाँ पर सेव बोल के जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेव बोल के सेव पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पर लॉन्ग सम एक नाम देके सेव कर देंगे, इतना काम रहेगा। उसके बाद आराम से इसी इंडिकेटर को आप यूज कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है, आप देख सकते हो आपकी आंखों के सामने क्या चीज दिखा रहे हैं, मैंने ऑलरेडी ये चीज को मैंने फाउंड आउट करवाया, जो ये एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है, देख सकते हो मार्केट अभी डाउन आ रहा है और इसको नेक लाइन को ब्रेकआउट देता है तो मार्केट अच्छी तरीके से एक डाउन साइड ब्रेकआउट हो सकता है। टाइम देख लीजिएगा, टाइम मिला लीजिएगा एक बार आप खुद से भी, तो मैंने जो बात बोला हूँ ये इंडिकेटर के थ्रू ये चीज को एक आप भी कंफर्म कर सकते हो, ये 12 बजे का 11:45 के ये कैंडल बन रहा है, तो इसके बाद जो कैंडल बनेगा जैसे ब्रेकआउट होगा ये लेवल ब्रेकआउट होगा तो उसके बाद मार्केट डाउन आएगा, तो ये सेंटिमेंट तो पूरा वीडियो में कैप्चर नहीं कर सकता हूँ, ये आप खुद से एक बार चेक कर लीजिएगा ये इंडिकेटर आपको सही में डिसीजन सही दे रहा था कि नहीं दे रहा था, तो ये आपको पता चल जाएगा।
तो फ्रेंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे।